उदयपुर वाटी से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। मृतक बोधुराम सैनी के परिजनों ने धरना किया समाप्त। 21 दिन पहले लापता हुए टोंक छिलरी निवासी बोधुराम सैनी का कल एक बंद पड़े कुएं में शव मिला। तब से परिजनों और गांव वालों का कहना है कि आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या कर कुएं में डाला गया है, जिसको लेकर आज दिन भर धरना प्रदर्शन चलता रहा। अब जाकर उस पर मांगों पर सहमति बनी है और शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि बोधुराम सैनी पिछले 21 दिन से लापता हुए और पुलिस भी इनकी तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन पुलिस को भी कोई सुराग नहीं मिल पाया। बोधुराम सैनी का पता लगाने के लिए उदयपुर वाटी पुलिस थाने का परिजनों और ग्रामीणों ने घेराव भी किया था, जिसके चलते भाजपा जिला अध्यक्ष पवन मावंडिया सहित 19 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा और 300 से अधिक लोगों पर FIR सड़क जाम करने के बाबत में की गई थी।